अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, आबाद होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक फ्री में पहुँचें। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज बेबीज़ ड्रेसेस लेकर आई हूँ समर वेकेशंस के लिए। बहुत सारे अच्छे ड्रेसेस आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन से। बच्चों की वैरायटी बहुत होती है। आप अगर मार्केट में जाएं, आपने चक्कर लगाया हो मार्केट में, अब गए हो तो आपने देखा होगा कि वैरायटी जितनी बच्चों के ड्रेसेस में होती है इतनी और किसी ड्रेसेस में नहीं होती। इवन बच्चों के ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है, जब मैं ख़ुद मार्केट जाऊँ तो मुझे बच्चों के ड्रेसेस देखकर बहुत दिल करता है लेने का, बहुत दिल करता है कि मैं ऐसे बनाऊँ। इवन मैं बनाती भी हूँ। बेबीज़ पे ड्रेसेस हमेशा डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, प्लेन ड्रेसेस और सिंपल ड्रेसेस बेबीज़ पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो बेबीज़ के लिए हमेशा जो ड्रेसेस हैं बेबी गर्ल्स हों उनके लिए डिज़ाइनिंग करवाई जाएँ और वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सिंपल ड्रेसेस बच्चों पर इतने अच्छे नहीं लगते, तो बेहतर है कि प्लेन ड्रेसेस बच्चों को सिंपल से पहनाया जाए। आप थोड़ी वो डिज़ाइनिंग करवा लें, लेकिन यहाँ पर बहुत इजी ड्रेसिंग डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत प्यारे और यूनिक डिज़ाइंस हैं, डिज़ाइनिंग डिज़ाइंस हैं। आप देखें, आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपके लिए बहुत यूज़फुल ये वीडियो होगी। समर ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग ज़्यादा है। अब मैं समर को ज़्यादा कर रही हूँ, इसमें बच्चों पर स्वेटर्स पहना दिए जाते हैं और उनको कवर किया जाता है, तो उनके ड्रेसेस के डिज़ाइंस हो या वो इतना शो नहीं होते, ना दिख पाते। तो ज़्यादातर बच्चों की जो डिज़ाइनिंग होती है वो समर्स के ड्रेसेस पे होती है और अच्छे भी लगते हैं, और समर्स पर ही ज़्यादा डिज़ाइनिंग ही होती है, ना ही कि सिर्फ बच्चों के ड्रेसेस पर, इवन जो बड़े होते हैं उनकी भी ड्रेसेस पर डिज़ाइनिंग होती है, समर ड्रेसेस पे ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है। तो यहाँ बहुत सारे ड्रेस ऐसे हैं जो आप बहुत इजीली और क्विकली बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखने में ड्रेसेस कुछ ऐसे हैं जो आपको दिख रहे होंगे कि बहुत ही मुश्किल हैं, नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सिंपल हैं, बहुत ही सिंपल हैं, बहुत इजीली बनते हैं। इनकी कटिंग एंड स्टिचिंग भी बहुत इजी है, आपको यूट्यूब से इसकी बहुत सारी वीडियोस मिल सकती हैं। एंड इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग अपने एक चैनल है मेरा कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड, मैं उसमें आपको बेबी ड्रेसेस सिखाऊंगी, बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्विकली बनने वाले। आपको मैं इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी और कटिंग या स्टिचिंग भी शेयर करूँगी। इवन आप देखते हैं, आप जब किसी बड़े अपने किसी का ड्रेस बना लेते हैं या अपना ड्रेस बनाते हैं, तो बहुत सारे बीच में से उनके कट पीस निकलते हैं जो आपको वेस्ट लग रहे होते हैं, लेकिन आप चाहें तो बेबीज़ ड्रेसेस उससे बना सकते हैं बहुत ही अच्छे, और ऐसे लगेगा ही नहीं कि ये किसी कट पीस से बने गए हैं। मैंने खुद बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस बनाए जो कट पीस से बनाए और वो बिल्कुल भी कोई देख के नहीं कह सकता कि ये कट पीस से बनाए गए हैं, तो आपको मेरा वो चैनल विजिट करना पड़ेगा। अभी मैंने बच्चों के उसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं डाली, लेकिन कमिंग मैं उसकी डिज़ाइनिंग डालूंगी और मैं कटिंग एंड स्टिचिंग भी उसमें डाल रही हूँ। वेल, मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छे बेबीज़ डिज़ाइनिंग शेयर की है ड्रेसेस की, तो होप्स आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा और साथ ही लाइक लाजमी कर लीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई आइडियाज़ के साथ और एक नए फैशन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।